उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जिस पाकिस्तानी लड़की सीमा हैदर को बीते कई दिनों से मीडिया के कैमरों की अटेंशन मिल रही है, उसे लेकर खुफिया एजेंसियों और उत्तर प्रदेश एटीएस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एटीएस की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि सीमा हैदर ने दिल्ली और एनसीआर के रहने वाले तमाम ऐसे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी जो लोग सेना या सेना के बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे। इस बात का भी पता चला है कि सीमा हैदर के नाम से कुल 35 फेसबुक आईडीज चलाई जा रही हैं। इन आईडीज में सीमा हैदर की फोटो लगी है, लेकिन इन्हें ऑपरेट कौन कर रहा है इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सीमा हैदर की कहानी जितनी आसान लगती है, शायद ये कहानी उतनी आसान दिखाई नहीं दे रही। सीमा हैदर की कहानी को लेकर तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका एटीएस और आईबी के अधिकारी पता लगाने में जुटे हुए हैं। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि सीमा हैदर इंस्टाग्राम पर खासी एक्टिव है। वो पाकिस्तान में रहने के दौरान भी लगातार रील बनाती थी और हिंदुस्तान आने के बाद इसमें इजाफा हो गया। यह भी पता चला है कि सीमा हैदर ने बीते 1.5 साल में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम 9 बार बदला था। इसके अलावा वो सचिन मीणा समेत कुल 16 लोगों को फॉलो करती है, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार का अकाउंट भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में रहने के दौरान सीमा ने इंस्टाग्राम अकाउंट में पर्सनल सेटिंग लगा रखी थी और सिर्फ सचिन और सीमा ही एक दूसरे को देख पाते थे, लेकिन इंडिया आने के बाद यह अकाउंट पब्लिक कर दिया गया। एटीएस की जांच में यह भी पता चला है कि फेसबुक पर सीमा हैदर के नाम से 35 से अधिक आईडीज एक्टिव हैं, जिसमें सीमा हैदर की फोटो लगी हुई है। सचिन ने भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा है जिसमें कोई भी फोटो नहीं लगी है। सचिन सिर्फ सीमा हैदर को फॉलो करता है और उसका अकाउंट भी प्राइवेट है। इसके अलावा सीमा हैदर के पास से 5 मोबाइल फोन भी मिले हैं, इसमें एक फोन टूटा हुआ है। इसके अलावा 2 वीडियो कैसेट्स भी मिले हैं जिन्हें सीमा ने अपनी शादी के वीडियो का कैसेट बताया है। एटीएस की जांच में सबसे अहम खुलासा इस बात को लेकर हुआ है कि सीमा हैदर ने दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले तमाम ऐसे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी जो या तो आर्मी से जुड़े हुए थे या आर्मी के बैकग्राउंड के थे। इन सभी फैक्ट्स के आधार पर एटीएस और आईबी की टीमें अब उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं। बीते 2 दिनों में करीब 20 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब तक सीमा हैदर से क्या क्या जानकारियां मिली और उसके बारे में कितना सच और कितनी कहानियां हैं, इन सब पर आईबी और एटीएस ने फिलहाल मीडिया के सामने कोई भी पक्ष नहीं रखा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।